नमस्कार, शाकाहार सदाबहार किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का पापड़। आम आजकल गर्मियों में काफ़ी आम आ रहे हैं, तो उसको हम प्रिजर्व करके, एक तरीके से प्रिजर्व करने का तरीका है और ये काफ़ी स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो चलिए आइए हम बनाते हैं आम पापड़। इसके लिए हमको जो सामग्री लगने वाली है वो आम। आम को मैंने छील कर और पीसेस में कर लिया है, और चीनी। ये हमको दो चीज़ ही लगने वाली है मात्र इसके लिए। तो आइए हम बनाते हैं हमारा आम का पापड़। इसके लिए हम आम को पहले मिक्सी के जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ उसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमने आम उसमें डाल दिए हैं। चीनी पाउडर, चीनी भी हम इसमें 3 या 4 चम्मच चीनी, आम के खट्टेपन के हिसाब से हम चीनी डालते हैं, जैसा आम है उसके हिसाब से हम चीनी डालते हैं। 3 या 4 चम्मच हमने इसमें शक्कर डाल दी। अब हम इसको, इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि इसको ग्राइंड अच्छे से हो जाए। अब हमारा ये पूरा पेस्ट बना लिया है, हमने इसको स्मूथ पेस्ट बना लिया है। हम अब इसको एक कढ़ाई या पैन में लेंगे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और उस पर इसको लगातार हम गरम करके ऐसे कढ़ाई में हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना पड़ता है ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। ये धीरे धीरे करके ऐसे बस 5 या 7 मिनट हमको इसको पकाना है। इस प्रकार हम इसको हिलाते हुए पकाते जाएंगे, और ये बस इसका ये ध्यान रखना है ये कढ़ाई से चिपके ना, इसलिए इसको चलाते जाइए। इसको सेकते सेकते इसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, तब लगभग ये तैयार होने लगता है। 5-7 मिनट में ये लगभग शुरू हो जाता है। देखिए इसमें अभी ये धीरे धीरे इस प्रकार से बबल्स आने लग गए हैं। इसका मतलब है कि बस हमारा आम पापड़ पूर्ण होने ही वाला है। थोड़ा ये साइड से कढ़ाई भी छोड़ने लग जाएगा। इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना। लीजिए ये पूरी तरह से पककर तैयार हो गया है। अब ये इसमें से काफ़ी छीटे उचट रहे हैं इससे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। यहाँ तो मैं इसको थोड़ा संभाल कर करना पड़ता है ताकि इसके छीटे हमारे ऊपर ना आए। देखिए इस प्रकार ये लगभग तैयार हो गया है हमारा आम पापड़ का बैटर। ये हमारा आम का पापड़ का बैटर तैयार हो गया है। ये पूरी तरह से पक चुका है। अब बस हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए जब इस प्रकार का टेक्सचर आ जाए, इस प्रकार की कंसिस्टेंसी आ जाए, इसका मतलब है कि ये आम पापड़ के लिए तैयार है। अब हम एक डिश में, एक थाली में या प्लेट में, जिस भी बर्तन में आपको फैलाना हो, उसको ग्रीसिंग कर लेंगे घी से। उसमें घी पूरी तरह से ऐसे हम उसको फैला लेंगे, घी लगाकर अच्छे से फैला लेंगे ताकि जो हमारा पापड़ है वो नीचे चिपके ना थाली से। अब हम इस जो हमारा हमने पकाया हुआ आम है उसके पल्प को हम थाली में फैला देंगे। इसका थिकनेस आप यदि ज़्यादा बैटर डालेंगे तो थोड़ा मोटा पापड़ बनेगा, नहीं तो आप पतला बनाना चाहें तो पतला बनेगा। ये इस प्रकार ये हम इसको फैला लेंगे। ये पूर्ण तरह ऐसे फैल जाएगा। अब हमारा ये आम पापड़ पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसको हम 2 दिन के लिए अच्छी तेज़ धूप में रखेंगे। तेज़ धूप में रखने से ये सूख जाएगा और अपने आप ही ये इसके किनारे छोड़ देगा और हमारा आम पापड़ तैयार हो जाएगा। लीजिए अब हमारा आम पापड़ सूखकर तैयार हो चुका है। हम अब इसको थाली में से निकालेंगे। इसको हम ऐसे करके चारों किनारों से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, देखिए इस प्रकार हमारा ये पापड़ बहुत आसानी से निकल गया है। देखिए इसका ये पीछे से आगे से कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अब हम इसको इसके अपने मनचाहे शेप्स में काट सकते हैं। इसको मैंने इसको पहले लंबी लंबी पतली पतली पट्टियों में काट लिया है। इस प्रकार से हम इसको
काट लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब हम इनके पीसेस कर लेंगे। हम मन चाहे इसके आकार में काट सकते हैं। हम इसके इस प्रकार से पीसेस कर लेंगे और ये जो आम पापड़ है इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। इसको हम एक माउथ फ्रेशनर के रूप में भी खा सकते हैं, स्वीट के रूप में भी खा सकते हैं और बच्चों को चॉकलेट्स की जगह में हम इसको दे सकते हैं। तो लीजिए, हमारा आम पापड़ पूरी तरह से तैयार है। देखिए कितना सुंदर, कितना टेस्टी, बहुत ही मनभावन है। तो आप भी इसका मज़ा उठाइए और इसको बनाइए, ज़रूर से बनाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।